प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है। नई नई योजनाओं में स्टार्टअप में लगभग 70,000 लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। 100 यूनिकॉर्न हमारे वो बन गए हैं, अपने 100 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ने का काम चल रहा है। मित्रों, भारत की संस्कृति की भी रक्षा हो रही है। बताइए, राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? काशी विश्वनाथ का उद्धार हो गया कि नहीं हो गया? केदारनाथ का फिर से रिस्टोरेशन हो गया कि नहीं हो गया? मित्रों, ये भारत की संस्कृति की दृष्टि से जो जुड़ी हुई हमारी आस्थाएं हैं उसको भी ध्यान देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं यहां देख रहा हूं ये दृश्य, सब लोग यहां बैठे हैं बिना मास्क के बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना है और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये चाइना में संभव था क्या? ये अमेरिका में संभव था क्या? ये यूरोप में संभव था क्या? और आज भी हम एहतियात में सबको कहते हैं कि मास्क पहनो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको 220 करोड़ डबल डोज, 130 करोड़ की जनता को विथ बूस्टर लगा करके सुरक्षा कवच पहना दिया है, इसलिए आज ये भारत की हम तस्वीर देख रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी, ये भारत पहले वैक्सीन मंगवाता था। हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस की दवा बाहर से मंगवाई है, हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स की दवा बाहर से मंगवाई है, हमने टेटनस की दवा बाहर से आई है, पल्स पोलियो की दवा भारत में बाहर से आई है, जापानी बुखार की दवा भारत में बाहर से आई है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद शताब्दी का सबसे बड़ा त्रासदी आई तो कोरोना आई, और मोदी जी ने 9 महीने के अंदर भारत के साइंटिस्टों को प्रोत्साहित करके एक नहीं दो दो वैक्सीन बना करके देश को सुरक्षित किया। आज अमेरिका में पूरा वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, यूरोप में पूरा वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, लेकिन दुनिया का फास्टेस्ट, सबसे तीव्र गति से वैक्सीनेशन और सबसे बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ तो वो भारत में हुआ है, टीकाकरण हुआ है, यह हमको समझना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने यह वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को पहुंचाने का काम किया है, जिसमें से 48 देशों को मुफ्त में देने का काम किया है। 1.5 करोड़ डोज हमने मुफ्त की दी है, यानी भारत अब लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, भारत मोदी जी के नेतृत्व में अब देने वाला भारत बन गया है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, आप बताइए, यूक्रेन की लड़ाई हुई, चल रही है, कोई देश ने अपने लोगों को लाने का प्रयास किया क्या? अमेरिका ने प्रयास किया क्या? यूरोप ने प्रयास किया क्या? पाकिस्तान ने प्रयास किया क्या? श्रीलंका ने प्रयास किया क्या? किसी देश ने प्रयास किया क्या? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया और 32,000 बच्चे सीधे सीधे सेफ तरीके से भारत ले आए। और तो और, दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी तर गए, वो भी आ गए और भारत पहुंच गए और भारत से अपने देश में गए। यानी जिम्मेवारी से सरकार चलाना, ये देश को चलाना, ये प्रदेश को चलाना, इसका काम हुआ है।